ये साला सरकार आरटीओ है, 10,000 रुपए मांग रहा है। अभी आपको सारी आपको सारी जिंदगी देनी पड़ेगी मेरी, खाने से बस मरना ही है। मैं आपको सारा साला सरकार ये आरटीओ खत्म हो जाएगा। इनकी जेब में जग जान के पैसे पड़े हैं, जग जान के पैसे इकट्ठे करते हो आप। गरीब का चमड़ा खाते हो, गरीब का चमड़ा। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ के सामने गाड़ी के आगे कूदा ड्राइवर, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज में। क्यों तक की? ठीक है ठीक है। हाँ, 10,000 रुपए मांगते हो ना? कौन मांग रहा है? अभी गाड़ी के नीचे मरूंगा तुम्हारी, ऐसी तैसी करूंगा तुम्हारी मैं। यह साला सरकार, ये साला सरकार आरटीओ है, साला सरकार 10,000 रुपए मांग रहा है। बिना टैक्स गाड़ी है ये? हाँ, बिना टैक्स है, कोई बात नहीं। बिना टैक्स हो कुछ और रिक्वेस्ट की ना मैंने। अभी आपको सारी आपको सारी जिंदगी देनी पड़ेगी मेरी, सारी जिंदगी मेरी देनी पड़ेगी आपको। दिक्कत नहीं है? हाँ। हेलो, आने दे, आने दे, बस मरना ही है। मैं आपको सारा साला सरकार ये आरटीओ खत्म हो जाएगा। पैसे भर रखे हैं ना गाड़ी में, गाड़ी में पैसे भर रखे हैं, 10,000 रुपए चाहिए आपको। ठीक है, हर साल आपको पैसे देते हैं ना, हर महीने, हर चक्कर। यार जे 14UC8964 नंबर गाड़ी है, इनकी जेब में जग जान के पैसे पड़े हैं, जग जान के पैसे निकालना जेब में से। तू ज्यादा क्या मत कर, चाय का मैं बढ़ा दूंगा बुजू। और मेरे बात तो तेरे जैसे बहुत देखे दादा, ये तो टैक्स नहीं कटा रखे, परमिट नहीं है, ऊपर से दादा भी हो कर तू यहां पे। देखा आपने, ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सालासर राजस्थान में, जहां पर सालासर आरटीओ ने गाड़ी को रुकवाया। सभी कागजात चेक किए गए तो उसमें से टैक्स नहीं भरा गया था। बस फिर क्या था, आरटीओ कर्मियों को मौका मिल गया, उनको जिसकी तलाश रहती है, यानी कि 10,000 रुपए मांगे जाने के आरोप यहां पर ड्राइवर ने लगाए हैं। वीडियो में देखा भी जा सकता है। आरटीओ कर्मी की हरकत से परेशान ड्राइवर गाड़ी के सामने आ जाता है, अचानक गाड़ी को ब्रेक मारनी पड़ती है। सोच सकते हैं अगर ब्रेक ना लगती तो क्या हो सकता था। आज ही मरूंगा, आपके सामने मरूंगा, ये कहते हुए गाड़ी के सामने आ गया ड्राइवर। लेकिन किसी आरटीओ कर्मी का दिल नहीं पसीजा, उल्टा कह रहे हैं कि जा मर जा। आपको बता दें ये घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन अब तेजी से वायरल हो रही है, जिसे हम तक हमारे दर्शक ने पहुंचाया है। दरअसल ड्राइवर ने नेशनल परमिट या टैक्स नहीं भरा रखा था, जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ, जिसके एवज में 10,000 रुपए की मांग की गई। ड्राइवर ने बार बार रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं मानी गई, जिसके बाद ड्राइवर भड़क गया। उसके बाद ये सारी बातें हुई। ड्राइवर ने आरटीओ कर्मी को खरी खोटी सुनाई, जो मन में आया बक डाला। ये तक कहा कि गाड़ियां पैसों से भर रखी हैं, जेबें भर रखी हैं, और कितना चाहिए। लेकिन आरटीओ कर्मी कहां मानते हैं, वो भी जिद पर अड़े हुए थे। आखिरकार ये हुआ कि आरटीओ कर्मियों को कहना पड़ गया कि अपना टैक्स यहीं पर भरवाओ, फिर जाओ। ड्राइवर का गुस्सा देखकर ये समझा जा सकता है कि वो ऐसी हरकतों से कितना परेशान है कि अपनी जान तक देने पर उतारू हो गया। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।